हाय फ्रेंड्स, आज हम अपने जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का अगला जो मेरा टॉपिक है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जानते हैं। ये तो सब लोग सुने ही होंगे। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है कहाँ मिलेगी, ये हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेगी और हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो में मिलेगी, मतलब ये हमारा जो पॉलिटिकल साइंस मिलेगी। तो दोस्तों, इसमें मैं जो टॉपिक मैं देखने जा रहा हूँ, क्या इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कौन से एक्ट इसको सपोर्ट करते हैं, फिर कैसा ये कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन है इनका, फिर कैसे फंक्शन करता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, ये कौन से मामले को देखते हैं, ये सब मैं देखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा जो ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का ये जो मेरा टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग भली बातें जानते हैं, तो आगे इसको और थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। तो ये जो नागरिक को की शिकायत का निपटारा करता है, मतलब कि नागरिक जो भी शिकायत करे उसका निपटारा करते हैं, फिर भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये काम करता है, मतलब कि जो करप्शन होता है, करप्शन को ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसको रोकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे जो भारतीय संविधान में बहुत सारे नियम है, मतलब कि लॉ लाया गया है, फिर भारतीय जो लॉ है उसमें ये है, पहला क्या लोक सेवा जांच अधिनियम 1850। ये जो एजेंसी, ये नया एजेंसी नहीं है कह सकते हम लोग, क्या कि ये ब्रिटिश एरा का ही एजेंसी है, ब्रिटिश काल का ही एजेंसी है, ठीक है। तो ये इसका पहला अधिनियम लाया गया था, लोक सेवा जांच अधिनियम 1850। उसके बाद भारतीय दंड व्यवस्था 1860, विशेष पुलिस व्यवस्था 1941, दिल्ली पुलिस व्यवस्था अधिनियम 1946। उसके बाद भ्रष्टाचार निरोधन निरोध अधिनियम 1947, और उसके बाद आया था जांच आयोग अधिनियम 1952। ये जो विशेष करके जो राजनेता और उसके जो व्यक्ति के लिए मतलब वो जो राजनेता लोग भ्रष्टाचार करते उसको उसके लिए आया, तो ये शामिल किया गया था। ये विशेष ये ज्यादा डिप में हम लोग नहीं जाएंगे। उसके बाद अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1954। उसके बाद जो हमारा केंद्रीय लोक सेवा आचरण अधिनियम 1955, उसके बाद रेलवे सेवा आचरण अधिनियम 1956, उसके बाद जो हमारा है मंत्रालयों विभागों के में के लिए ये आया गया था, मतलब इसको भी ले गया था, लेके आया था मंत्रालय। जैसे कि दोस्तों, जैसे रेलवे सेवा है, मतलब कि अधिनियम के तहत सीबीआई क्या रेलवे के अधिकारी को भी जांच करेंगे, कोई भी भ्रष्टाचार सेवा भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ। तो यहाँ पर जो हमारा मंत्रालय और विभाग डिपार्टमेंट का उसका भी यहाँ पर लेके आया, तो मतलब ये भी अब सीबीआई के अंदर में आ जाता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो 1903, फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, फिर राज्य सतर्कता आयोग 1964 के राज्यों में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, फिर उसके बाद जो हमारा आ गया ये हमारा लोक आयुक्त, मतलब राज्यों में लोक आयुक्त, ये भी एक एजेंसी है जो मैं आगे चलकर देखूंगा। लोक आयुक्त लोकपाल, इसका अगला वीडियो हम लोग को बनाने वाला है। तो उसके बाद मंत्री, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं मंडलीय सतर्कता आयोग, जिला सतर्कता अधिकारी, ये सब जो हमारा एक्ट आया जिससे हमारा ये सीबीआई क्या वो और स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होने के कारण ये और अच्छे से काम करते हैं। जैसे राष्ट्रीय उपभोक्ता विभाग, निपटारा आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, फिर हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के जो उच्च न्यायालय है, ये सभी क्या करते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिर उसके बाद प्रशासनिक ट्रिब्यूनल
उसके बाद मंत्री परिषद सचिवालय का जन अधिला निर्देशालय 1988, उसके बाद संसद के संसद और इसके बहुत सारे जो समिति है उसके कारण भी हमारा ये सब होता है क्या, सीबीआई और स्ट्रॉन्ग बनता है। ये सीबीआई कैसे स्ट्रॉन्ग बनता है ये सब देख लीजिए कि इसका कंपोनेंट एक तरीके से कहा जा सकता है जो इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, सीबीआई को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, तो जैसे कि इसी में अब सीबीआई को ये सब एक्ट आ गया, ये सब लॉ आ गया जो स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं क्या अब और देखते हैं जो हमारा ये जो मैं केरला जैसे कुछ राज्य जहाँ पर फाइव टू फील्ड के कार्यक्रम लाया गया जो स्टेट गवर्नमेंट लाई, जिस योजना के अंतर्गत प्रशासन गांव क्षेत्र में जाकर लोगों को शिकायत सुनते हैं और उसका तत्कालीन समाधान निकालते हैं। ये क्या एक ऐसा इंसेंटिव लिया गया जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया जैसे केरला जैसे राज्य में। अभी तो देखते हैं अभी हमारे सभी राज्यों में ऐसा शिकायत केंद्र बना हुआ है जो जहां पे हम शिकायत कर सकते हैं, उसका संविधान जल्दी जल्दी हमारे जो है ब्यूरोक्रेट है वो देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं सामान्य जानकारी के रूप में जो हमारा जो